तो इस वीडियो में छोटी सी एक्सरसाइज है और बताया ये गया है कि आप जो है ये फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस या फ्लेक्स की एक ही प्रॉपर्टी में इन तीनों वैल्यूज़ को आप दे सकते हैं। तो वो किस तरह के फ्लेक्स ग्रो पहले आता है और दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास फ्लेक्स श्रिंक होती है और तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास पिक्सल्स में फ्लेक्स बेसिस ये आप दे सकते हैं, ठीक है। या आप उसको ईएम की सूरत में भी फॉन्ट साइज वाले में भी आप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपने फ्लेक्स देना है इसको, ओके। तो हम ये फ्लेक्स जो है यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और देना किसको है अब ये देखते हैं। बॉक्स वन और टू को, बॉक्स वन को हम देते हैं, ठीक है, और बॉक्स टू को भी देते हैं। तो अभी ये 50-50 हो गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि फ्लेक्स बॉक्स वन की जो है उसके फ्लेक्स ग्रो जो है वो टू होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लेक्स ग्रो जो है पहले भी होता है टू कर देते हैं, और फ्लेक्स श्रिंक जो है वो भी टू होना चाहिए, फ्लेक्स श्रिंक भी हम टू पे कर देते हैं, और फ्लेक्स बेसिस 150 होना चाहिए, 150 कर देते हैं, ओके। तो ये बिल्कुल ही थोड़ा सा रह गया रेड आपके पास। अच्छा, बॉक्स टू की उन्होंने बताई है कि फ्लेक्स ग्रो वन होना चाहिए, पहले पे फ्लेक्स ग्रो वन है, फ्लेक्स श्रिंक भी वन होना चाहिए, श्रिंक वन करते हैं, ओके। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्लेक्स बेसिस जो है 150 होना चाहिए। अब इसको करके देखते हैं तो आपके पास ये 50-50 हो गया। तो इस तरह आप ये एक ही फ्लेक्स की प्रॉपर्टी में ये तीनों चीज़ें आप दे सकते हैं। तो अब इसको रन करता हूँ तो रन भी हो चुका है।